नमस्कार, इंडिया बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा, बाजार की ताजातरीन खबरों के साथ। कल 16 सितंबर काफी अहम दिन है। कल कई मुद्दों के ऊपर चर्चाएं होंगी जिसका सीधा असर आपकी जेब से जुड़ा होगा। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है और इसके साथ साथ ईजीएम की बैठक है जिसमें फैसला होगा कि आपको एक साल के अंदर कितने सिलेंडर दिए जाने चाहिए सब्सिडी पर। जी हाँ, 6 सिलेंडर या फिर 7 सिलेंडर आपको मिलेंगे 400 रुपए की दर पर, और उसके बाद जो सिलेंडर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 700 रुपए की दर पर। 700 रुपए का क्या होगा सिलेंडर, ये हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जेब अभी और कितनी हल्की होने वाली है और आपकी जेब में कहां से आग लगने वाली है। लेकिन एक नजर बाजार की 10 बड़ी सुर्खियों पर। आरबीआई बैठक से एक दिन पहले बाजार ने बढ़त के साथ कारोबार किया। आज के कारोबार में कैपिटल गुड्स को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में बढ़त देखी गई। रियल एस्टेट सेक्टर में खासी तेजी देखी गई। डीएलएफ काउंटर पर बड़े स्तर पर फ्रेश खरीदारी दिखी जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल देखा गया। महंगाई से बेहाल आम जनता को एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतें झटका दे सकती हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के स्तर पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $112 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल की बिक्री पर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर तेल कंपनियां पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ आज अहम बैठक करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल के दाम बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है और पेट्रोल की कीमतों में 1 से 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी संभव है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को बड़ा झटका लगा है। मानेसर प्लांट में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल में मारुति की मुख्य हिस्सेदार कंपनी सुजुकी की 3 इकाइयों के 4000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अघोषित हड़ताल शुरू कर दी है। इन कंपनियों के श्रमिकों ने हड़ताल मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट के आंदोलन श्रमिकों के समर्थन में की है। लेकिन वहीं हरियाणा के श्रम मंत्री के मुताबिक 16 तारीख से मारुति की हड़ताल खत्म हो जाएगी, जिसके लिए बातचीत जारी है। किंगफिशर एयरलाइंस का अस्तित्व खतरे में है और ये प्राइवेट कंपनी तेजी से नीचे की ओर जा रही है। कंपनी के भविष्य के बारे में उसके ऑडिटरों ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक किंगफिशर के ऑडिटर ने कंपनी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसका कहना है कि कंपनी का आगे चल पाना बहुत मुश्किल है। कंपनी जबरदस्त घाटे में चल रही है। हालत ये है कि कंपनी का घाटा उसके नेटवर्थ के आधे से भी ज्यादा हो चुका है। किंगफिशर को अब तक 4,321 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है और उस पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी सब्सिडियरी कंपनी महिंद्रा हॉलीडे के शेयर को ओपन मार्केट में बेचेगी। कंपनी के पास फिलहाल 83% की होल्डिंग है और कंपनी ने 8% शेयर ओपन मार्केट में बेचने का मन बनाया है। खबर के बाद कंपनी के शेयर में 4% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भले ही अगस्त महीने की महंगाई दर में बढ़त देखी गई हो, लेकिन हफ्ते की खाद्य महंगाई दर के आंकड़ों में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट रही। हालांकि 3 सितंबर को खाद्य महंगाई दर 9.55% से घटकर 9.47% हो गई। ऑयल इंडिया के ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में तेल और गैस एसेट खरीदने की योजना है। ऑयल इंडिया के मुताबिक कंपनी के पास विदेश में कारोबार फैलाने के लिए पर्याप्त पूंजी मौजूद है। इसके अलावा कंपनी की सिटी गैस की आपूर्ति और रिफाइनिंग कारोबार में भी उतरने की योजना है। ऑयल इंडिया का कहना है कि सिटी गैस की आपूर्ति और ऑयल रिफाइनिंग के लिए HPCL के साथ करार किया जा सकता है। कंपनी के कारोबार को दूसरे क्षेत्रों में विस्तार के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने की योजना है। टाटा स्टील ने अगले 4 सालों तक अपने नीदरलैंड यूनिट में 1,000 कर्मचारियों की छंटनी का फैसला किया है। हालांकि टाटा स्टील की नीदरलैंड यूनिट की क्षमता विस्तार के लिए अगले 5 सालों तक 80 करोड़ यूरो निवेश करने की योजना है। कंपनी नीदरलैंड यूनिट की प्रोडक्ट क्वालिटी में लागत कम कर सुधार करना चाहती है। टाटा स्टील साल 2016 तक नीदरलैंड यूनिट की क्षमता बढ़ाकर 7.7 MTPA करेगी। फिलहाल कंपनी के नीदरलैंड यूनिट की क्षमता 7.2 MTPA है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। कच्चा तेल बीते 5 से 6 कारोबारी स्तरों में $85 से $90 प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहा है। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर कच्चा तेल $91 के ऊपर कारोबार करता है तो कच्चे तेल में $95 प्रति बैरल तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1800 प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है तो वहीं चांदी $40 प्रति ओंस के स्तर पर कारोबार कर रही है। घरेलू बाजार में सोना 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे कारोबार कर रहा है और जानकारों के मुताबिक सोने में फिसलन जारी रह सकती है। सोना 27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक के स्तर दिखा सकता है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के कारोबार पर। आज के कारोबार में शेयर बाजार में काफी उठापटक देखने को मिली। मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में ऊपरी स्तरों से शेयर बाजार लुढ़कते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही यूरोपियन बाजार खुले उसके बाद बाजारों के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। बाजार बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे और बाजारों के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स में 166 अंकों का उछाल दिखाई दिया। आज के अगर कारोबार की बात की जाए तो आज निफ्टी में 60 अंकों से ज्यादा की जहां पर बढ़त दिखाई दी, वहीं बाजारों के अंदर काफी मिले जुले से रुझान दिखाई दिए। लगभग सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन कैपिटल गुड्स में गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा जो बढ़त देखने को मिली रियल एस्टेट सेगमेंट में देखने को मिली। रियलिटी सेक्टर काफी बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन बाजारों की सीधी सीधी परछाई यहां पर भारतीय बाजारों के अंदर दिखाई दी, क्योंकि उससे पहले तक बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। बाजार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय पर स्टूडियो में मौजूद है हरीश कपूर साहब। आप DGM है ज्वारी इन्वेस्टमेंट से। कपूर साहब स्वागत है आपका न्यूज में। कपूर साहब, बाजारों की जो शुरुआत हुई थी ठीक ठाक थी, लेकिन एक अच्छी खासी गिरावट भी देखी, डिप आया बाजार के अंदर, लेकिन जैसे ही यूरोपियन मार्केट्स खुले तुरंत बाजार रिकवर कर गया। हालांकि कल इन्फ्लेशन के आंकड़े निकल करके आए, काफी चौंकाने वाले थे। डर है अभी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर नहीं है, उसका इम्पैक्ट आने वाले कल पर दिखाई दे सकता है, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 16 तारीख को RBI जो महंगाई दर के आंकड़े आए हैं उसको देखते हुए कोई कड़ा फैसला ले सकती है, कोई बड़ा फैसला ले सकती है, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से फिर से ब्याज दरों में इजाफा हो सकता है। लेकिन IIP के आंकड़े काफी क्रूशियल, उसमें जो हमने डिप देखा, उसमें जो हमने गिरावट देखी, वो शायद संकेत ये देते हैं कि शायद RBI ऐसा कदम नहीं उठाए। क्या हो सकता है कल और आज के बाद, यानी कि कल मॉर्निंग से बाजारों की हालत क्या हो सकती है? देखिए, सस्पेंस तो बना ही हुआ है और ये सिर्फ अभी से नहीं, सस्पेंस काफ़ी टाइम से बना हुआ है, क्योंकि RBI जो पिछले 3 महीने में मैं कहूँगा 125 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट पे बढ़ा चुके हैं, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी में। और लेकिन मेन चीज़ ये है कि उसको जितना उधर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उधर टाइटनिंग करते हैं, उधर इन्फ्लेशन तो के ऊपर इम्पैक्ट तो उसका डायरेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जरूर इफेक्ट हो रही है। तो जहाँ तक मेरा व्यू है, जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मेरे को नहीं लगता कि अब इस टाइम और बढ़ाएंगे इस टाइम कल की क्रेडिट पॉलिसी में, जबकि मार्केट में उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट का और इजाफा करेगा RBI, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे इंडस्ट्रियल आउटपुट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है, जो कि ऑलरेडी SME सेगमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है इस हायर इंटरेस्ट रेट से, और ऑलरेडी इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ी हुई है, तो उस वजह से उसका एकदम छवि आपको IIP डाटा से मिल गया है। और उसका जो मेन ये है कि मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। जी जी, RBI ने पिछले 18 महीनों में 11 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया है, ये सोच करके कि ठीक है चलिए हम ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन महंगाई किसी तरीके से कम आ जाए। महंगाई के अंदर कोई कमी नहीं देखने को मिली, ग्रोथ रेट से कॉम्प्रोमाइज जरूर हो गया। हमारे साथ जगन्नाथम साहब भी हैं, हेड रिसर्च हैं आप SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज से। जगन्नाथम साहब स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जगन्नाथम साहब, कल 16 तारीख काफी अहम तारीख, RBI से क्या उम्मीद है? ब्याज दरें बढ़ेंगी, बाजार इसको नेगेटिव लेगा? 25 बेसिस पॉइंट जरूर बढ़ने हैं, इसमें दो राय है नहीं, और इसके बाद मार्केट अगेन डिसेंट करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। ये सितंबर जो एफएनडी चल रहे मैक्सिमम
5200 निफ्टी तक जा सकते हैं, इसके बाद अगेन नबिक वाले शुरू हो जाएगी और नीचे 4700 तक जाने की उम्मीद है। अब आरबीआई के पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। ग्रोथ कम हो जा रहा है बट लेकिन इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि इंडिया मिडिल क्लास को देखते हुए वो इन्फ्लेशन को छोड़ नहीं सकते। सबसे बड़ा सवाल जैसा कि अभी आपने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है, 25 बेसिस पॉइंट कल बढ़ने हैं, यानी कि ये तय माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट पर आरबीआई अपनी मोहर जो है वो लगाएगा, यानी 12वीं बार रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर बढ़ेगा। क्या आपको लगता है इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल होगी? इन्फ्लेशन कंट्रोल होना इसके ऊपर डिपेंड होता है कि अगर बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो, क्योंकि आजकल तो क्या हो रहा है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं बैंक्स के ऊपर बट लेकिन बैंक्स वो पास ऑन नहीं कर रहे। रियल इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट तब भी देखने के लिए मिल सकता है अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते तो तब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। इसी रीजन है कि आरबीआई इतने बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बैंक ने इसको इकोनॉमी के ऊपर पास ऑन नहीं कर रहे। तो बिकवाली करके चले ऊपर से फायदा देखने को मिलेगा? ये ऐसा है कि आज थोड़ा मार्केट मोमेंटम में देखने के लिए मिल रहा है, कल 12 बजे तक देख के अगर चला है तो एक बार 5150 लेवल पे एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं निफ्टी, यानी कि शॉर्ट करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जगन्नाथ हम साहब इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त तो चला यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। कपूर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बिकवाली फायदे का सौदा साबित हो सकती है या फिर निचले स्तरों पर खरीदारी।